नौवीं कक्षा के सभी बच्चे सबको मेरा नमस्कार, शुभ प्रभात। गद्य पद्य मिलाकर कुछ बातें, 13वां पद्य और नीति के दोहे को भी हमने अंतिम वीडियो के अंदर समाप्त किया। उसके बाद माइक्रो टीम्स पर काम कर रहे हैं। आज हम अभ्यास क्रम तो 100% पढ़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ छुट्टी दी गई कि 30% आप अपना अभ्यास क्रम निकाल सकते हैं, पर जो अभ्यास क्रम है उन सबको पढ़ने के वास्ते आज हम एक 14वां काव्य युग और मैं नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित, यहाँ पर एक काव्य दिया गया युग और मैं। 14वां काव्य जो है युग और मैं, यानी खुद कवि नरेंद्र शर्मा का जन्म 1913 में जहांगीरपुर में हुआ था और बुलंदशहर नाम का उनका गांव था, उनके अंदर उनका जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, विश्वविद्यालय में एमए तक की पदवी प्राप्त की, ढेर सारा साहित्य उन्होंने लिखा और अंत में वो दार्शनिक हो गए। पहले विरह की कविताएं लिखते थे, उसके बाद प्रगति वाली कविताएं लिखी, उसके बाद एक दार्शनिक की भांति उन्होंने काव्य लिखे। यहाँ पर जो काव्य दिया गया है युग और मैं के अंदर कवि ने वास्तविकता को दिखलाने का प्रयत्न किया है और जगत के अंदर जो सारी बिखरी हुई परिस्थिति है उनको हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया है। 1913 के आसपास 13 का जन्म हुआ, 1913 में उसके बाद का जो समय था वो बड़ा ही विशिष्ट समय था। ढेर सारी बातें लेकर उस समय चल रहा था, हिंदुस्तान की जो परिस्थिति थी उन परिस्थितियों को देखने का प्रयत्न कर तो पता चलता है कि जन आंदोलन कैसे कैसे चल रहा था, या तो छोटी बड़ी लड़ाइयां किस प्रकार से चल रही थी, या तो ब्रिटिश शासन के सामने हिंदुस्तान की प्रजा किस प्रकार से संघर्ष कर रही थी और कैसे कैसे यातनाएं भुगत रही थी। उसी यातनाओं के कारण सारा युग जो है वो बिखरा हुआ पड़ा था, सारा जगत बिखरा हुआ पड़ा था, वैसा दृश्य उनको दिखाई देता है। और मानव कैसी कैसी यातनाएं खड़ी करता है, एक ओर कवि अपने विचार रखते हैं, दूसरी ओर सारा जग है, सारा युग है, और युग के कारण उनको कैसा दिखाई देता है उसी बात को उन्होंने युग और मैं के अंदर दिखलाने का प्रयत्न किया है। देखते हैं कवि के शब्दों के अंदर, कविता के अंदर उन्होंने विनाशक वातावरण जो होता है उन विनाशक वातावरण की भयंकरता को दिखलाने का प्रयत्न किया है। उन्होंने ये कोशिश की है कि सारा जग इसी प्रकार से चल रहा है और भयानकता कैसी होती है, विनाशकता कैसी होती है, सारी दुनिया के अंदर पीड़ा कैसी होती है। अपनी पीड़ा तो कुछ नहीं, हर मानव के मन मस्तिष्क के अंदर एक प्रकार की पीड़ा होती है और उसी पीड़ा की तुलना में जग की जो पीड़ा है पूरा युग जो है वो भी यातनाएं झेल रहा है। तो कवि कहते हैं कि मेरी यातनाएं क्या, मेरी पीड़ा तो कुछ नहीं, वैसा कहकर वो अपने आप को, अपने मन मस्तिष्क को संतोष दिलाने का प्रयत्न करते हैं। देखते हैं कवि के शब्दों में ही युग और मैं के अंदर कवि ने कैसे दृश्य हमारे सामने, शाब्दिक दृश्य दिखलाने का प्रयत्न किया है। उनकी ही लेखनी में देखते हैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां मन मेरी ही बस्ती क्या, धब्बों से मिट रहे देश जब तो मेरी ही हस्ती क्या। और प्रथम दो पंक्तियों के अंदर कह रहे हैं कवि, देखो युद्ध जनक परिस्थिति कैसी होती है, या तो विनाशक तक के दृश्य कैसे होते हैं। उजड़ रही अनगिनत बस्तियां,
ढेर सारी बस्तियां उजड़ रही है। हम जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर डाले गए अणु बम की बात करें, बम विस्फोट की बात करें, उनके भयानक दृश्यों को देखें तो पता चलता है कि विनाशकता क्या होती है, युद्धजनक परिस्थिति क्या होती है, या तो जब युद्ध होता है तो बाद के दृश्य कैसे होते हैं। कवि कहते हैं कि बस्तियां उजड़ रही है, सारा जग उजड़ रहा है, मन अपने मन को समझाते हैं, अपने मन को संबोधित करके उन्होंने ये काव्य लिखा है कि हे मन, बस्तियां उजड़ रही है, मेरी ही बस्ती क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं तो अकेला हूं यहां पर, तो संसार में सारी बस्तियां उजड़ रही है, धब्बों से मिट रहे देश जग और दाग से मिट रहे सारे देश जग, मेरी ही हस्ती क्या, मेरा अस्तित्व क्या, मेरी हस्ती क्या, मैं क्या हूं। वैसे कवि बात करते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या होता है, मैं कौन इन सबको रोकने वाला होता हूं। अपने मन को समझाते हुए आगे कहते हैं, बरस रहे अंगार अगन अगन के, धरती लपटे उगल रही है, निगल रही है जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए कहीं, दुखिया दुनिया भर की दुख दुख कथा है, मेरी ही क्या करुण कथा है। अपनी जिंदगी के जो दुख होते हैं उन दुखों को कभी छोटा मानते हैं। क्या कहते हैं, बरस रहे अंगार गगन में, अंगार बरस रहे हैं गगन से, इतनी धूप पड़ रही है, चारों ओर धूपमय वातावरण है, बरस रहे हैं अंगार, धरती लपटे उगल रही है, और धरती आग की लपटों को उगल रही है, धरती से भी आग बरस रही है, चारों ओर आग की ही लपटे हैं, वैसे भयंकर दृश्य दिखलाते हैं। निगल रही सब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाहि कही, कवि कहते हैं कि चारों ओर मौत सबको निगल रही है, और वैसा वातावरण है कोई किसी को रोक नहीं पाता, कोई किसी को मौत से बचा नहीं पाता, जब युद्ध जनक परिस्थिति खड़ी होती है या तो मानव द्वारा ही कोई बड़ी आपत्ति को छेड़ा जाए तब उनको रोका नहीं जाता। निगल रही है जब मौत सभी को, अपनी ही क्या जाए रही है, मेरा क्या होता है नुकसान, मेरा क्या जाता है, मेरा मैंने तो कुछ गवाया नहीं। अपने मन को समझाते हुए, आश्वासन देते हुए कवि कहते हैं, दुनिया भर की दुख कथा है, कवि कहते हैं कि ये तो दुनिया भर की दुख कथा है, और पूरी दुनिया के अंदर एक दुख फैला हुआ है, उनकी कथा मैं आपके सामने फैला रहा हूं या तो आपके सामने रख रहा हूं। हर जगह पर ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, यातना से पीड़ित लोग दिखाई देते हैं, चारों ओर सबको मौत निकल रही है, आप अपनी बात कैसे मैं करूं, वैसा कवि कहते हैं। आगे देखो, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबको सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा है। कवि अपने आप को समझाते हैं, क्या समझाते हैं देखो, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के। मानव इकट्ठा होते हैं, मानवता का जन्म होता है, मानवता कैसी होती है, मानव के अंदर रही हुई रहम की जो भावना होती है उनमें से मानवता का जन्म होता है, मानवता कैसी होती है, मानव के विचारों से ही उनका स्वरूप तय किया जाता है, मानव के मन मस्तिष्क और हृदय के अंदर रही हुई दूसरों के प्रति सच्ची संवेदनाएं होती है उसे मानवता का स्वरूप कहा जाता है, और वही मानवता चारों ओर कैसी स्थिति में है
जाने कब तक घाव भरेंगे इस मानव घायल मानवता के। मानवता घायल हो चुकी है, पीड़ित तो हो चुकी है, उन पर घाव लग चुके हैं, क्रूर व्यक्तियों की दृष्टि लग चुकी है, क्रूर व्यक्तियों ने उन पर मानवता पर घाव किए हैं। किसी को किसी के प्रति ग्लानी नहीं, किसी को किसी के प्रति संवेदना नहीं, और हृदय की जो भूख होती है वो किसी को किसी के प्रति नहीं, सब अपने स्वार्थ से जीते हैं, वैसा दृश्य कवि देखते हैं और कहते हैं कि मानवता घायल हो चुकी है। आगे देखो, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। कवि कहते हैं कि मैंने ऐसे स्वप्न देखे थे कि सब समान जिएंगे, सारा विश्व एक ग्राम में बदल जाएगा, जात पात के भेदभाव, धर्म के भेदभाव, सांप्रदायिक भेदभाव, रंग भेद मिट जाएगा और सभी व्यक्ति समान रूप से जीने लगेंगे। वैसी बात कवि करते हैं कि मेरे स्वप्न तो सबके समता के स्वप्न थे, और कब ये पूरे होंगे उन्हें जान ही नहीं पाता, क्योंकि सारी परिस्थिति ही ऐसी हो चुकी है कि सारी मानवता मरने की ओर जा रही है, मानवता घायल हो चुकी है। आगे देखो, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। कवि अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि चारों ओर पूरे जग में व्यथा पड़ी है, पूरे जग के अंदर, सबके दिलो दिमाग के अंदर, सबके मन मस्तिष्क के अंदर चिंता भरी है, सबके मन मस्तिष्क के अंदर पीड़ा भरी है, तो मेरी व्यथा क्या है, मेरी पीड़ा क्या है। जो जानता है, जो समझता है, वही पीड़ित होता है, जो समझ के बाहर होता है, या तो जिनके पास दृष्टि नहीं होती, जिनके हृदय के अंदर मानवता नहीं होती, उनको दूसरों की दुख को दुख दुख कर दुखित नहीं होता, दुखित तो वही होता है जो दूसरों की परिस्थिति को समझ सकता है, या तो दूसरों की पीड़ा की संवेदना का अनुभव कर सकता है। कवि अपने स्वप्न समता के जो उन्होंने स्वप्न देखे थे, सभी मानव समान होने चाहिए, सभी मानव के अंदर एक समानता का भाव होना चाहिए, वो कवि के स्वप्न अधूरे रह जाते। इसीलिए मानव ताकि स्वप्न अधूरे रहते हैं, मानवता घायल हो चुकी है, वो अपने मन को समझाते हुए कहते हैं क्या, खोल रहे सात समुंदर डूबी जाती है दुनिया, ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही वह दुनिया, डूब रही हो सब दुनिया जब मुझे डूबता गम तो क्या। कवि आगे की पंक्ति में कहते हैं, खोल रही है सात समंदर डूबी जाती है दुनिया, सात समंदर के अंदर दुनिया सारी डूब रही है। समंदर मतलब यह संसार जो है एक समंदर है, ढेर सारी समस्याओं को लेकर मानव उसी समस्याओं की जड़ में डूब जाता है, उसी समस्या रूपी जल के अंदर डूब जाता है। ये संसार पूरा एक समंदर है, हर एक व्यक्ति के स्वार्थ होते हैं, हर एक देश के स्वार्थ होते हैं, और एक मानव दूसरे मानव से दूर जाता जा रहा है, एक मानव दूसरे मानव के विचारों से दूर भागता चला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हर एक को अपना स्वार्थ पूरा करना है, हर एक व्यक्ति दूसरों को हानि पहुंचाकर, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करता है और मानवता को घायल करता है। मानव यानी समझता कि हम जन्म लेते हैं, जवान होते हैं और वृद्धत्व की ओर आगे बढ़ते हैं, और जब जाने की नौबत आती है तो कोई हमें रोक नहीं पाता, यही जिंदगी की सच्चाई है। पर मानव के अंदर फिर भी मानवता मर जाती है, अंत में जब वो माला जपता है तो उसकी वजह यह है कि मरकर भी उनको स्वर्ग चाहिए। हर एक जगह पर मानव सुख जाता है, अपने ही स्वार्थों को लेकर जीता है। इसीलिए मानव के मन को संबोधित करके कवि ने कहा है, देखो आगे देखो, खोल रहे सात समंदर डूबी जाती है दुनिया। यहां तो सात समंदर खोल रहे हैं, दुनिया उनके अंदर डूब रही है। आगे देखो, ज्ञान था खेल खेल लेता था जिससे
गर्क हो रही है वह दुनिया, ज्ञान ठाह लेता था जिससे, जिनके अंदर से ज्ञान प्राप्त होता था। मानव को नया दृष्टिकोण मिलता है, मानव के अंदर ज्ञान का जन्म होता है, वो उसी से होता है, अपनी अनुभूतियों से ही उनके दिमाग दिलो दिमाग के अंदर ज्ञान का जन्म होता है, मानव के अंदर नए विचारों का जन्म होता है। उसकी वजह यह होती है कि उनके जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अनुभव होता है और अनुभव से ही मानव सब कुछ सीखता है और दोबारा ऐसा नहीं करता, अपनी गलतियों का एहसास उन्हें होता है और गलतियों से वो दूर भागता है और डर कर रहने लगता है। उसकी वजह यह है कि दोबारा हम बुराई की ऊंचाई नहीं वैसा मानव होता है जिनके हृदय के अंदर मानवता जीवित होती है, उनकी बात में करता हो। ज्ञान था लेता था जिससे गर्क हो रही है वह दुनिया, ज्ञान जिसमें मिलता था वही दुनिया आज गर्क हो रही है, समंदर के अंदर डूब रही है, कैसे बचाया जाए। हे मानव, हे मन, हमारा अस्तित्व ही क्या है? अपने मन को समझाते हैं, जो अपने मन को समझाने में सफल हो जाते हैं उनके दिलो दिमाग से दुख नाम की चीज मिट जाती है, समस्याएं मिट जाती है, चिंता मिट जाती है। डूब रही हो सब दुनिया, जब मुझे डूबता गम तो क्या, सारी दुनिया डूब रही है कवि कहते हैं, तो मुझे डूबता हुआ दुख नहीं होता। हर जगह पर समस्याएं हैं, हर जगह पर चारों ओर दुनिया जल रही है, समंदर के अंदर पूरा संसार डूब रहा है, हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति दुखित है, हर व्यक्ति भयंकर विनाशक वातावरण में फंसा हुआ है। तो हे मन, मेरी हस्ती क्या है? कवि अपने मन को समझाते हैं और अपने मन को समझा कर अपने मन को संतोष देना चाहते हैं। आधा काव्य आज देखा, थोड़ी बात बाद में करेंगे, अगले वीडियो के अंदर एक काव्य थोड़ा बड़ा है, अगले वीडियो के अंदर हम पूरा कर देंगे, थोड़ा पढ़ने का प्रयत्न करना, समझने का प्रयत्न करना, बाद में दूसरे भाग के अंदर हम इस काव्य को पूरा करेंगे। आज यहाँ तक रखते हैं, सबको मेरा नमस्कार, अस्तु।